गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और हमारे देश में जो हमारा तिरंगा झंडा है वो नहीं फहराया जाता था, उसकी जगह यूनियन जैक झंडा फहराया जाता था। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमने अपने तिरंगे झंडे को अपनाया और देश के अंदर तिरंगा झंडा फहराया। उस दौरान हमारा देश इतना विकसित नहीं था, साधन इतने उन्नत नहीं थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, आराम हराम है। क्या नारा दिया? आराम हराम है। आवाज नहीं, आवाज ऊंची होनी चाहिए। आराम हराम है, हराम है। नहीं, आराम हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि आप जैसी एज के अंदर जब हरियाणा और पंजाब एक थे, उस दौरान हरियाणा और पंजाब को पंजाब नाम से जाना जाता था और देश को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह जैसे लोग खुशी पूर्वक फांसी के फंदे पर झूल गए थे जिन्होंने इस देश को आजाद किया। तो आप लोग इस 6 दिवसीय रेडक्रॉस के कैंप के अंदर अपने आप को इतना सजाए सवारे कि लोग आपसे शिक्षा लें, लोग आपसे सीखें कि 6 दिवसीय कैंप के अंदर हरिद्वार में जाकर इन बच्चों में इतना सा परिवर्तन, आपके परिवार में परिवर्तन आए, आपके दोस्तों में परिवर्तन आए और आप लोगों को ऐसा बनना है कि लोग आपका अनुसरण करें ना कि आप लोगों का अनुसरण करें। लोगों के लिए आपने रोल मॉडल बन जाना है, लोग आपके फॉलोअर बने, अपने आस पास में खुद में कितनी अच्छी शिक्षा दें, इतना अच्छा प्रेरणा दें कि लोग हमेशा आपको सैल्यूट करें, लोग हमेशा आपको सम्मान करें।